गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में सीखा था, जिसमें हमने स्ववर्त का गुणधर्म, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म और साचर्यता का गुणधर्म सीखा था। आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला गुणधर्म है, वह है वितरकता का गुणधर्म। इस गुणधर्म में तीन परिमेय संख्याओं के मध्य संबंध का होता है। पहले हम देखते हैं योग के रूप में। इस प्रकार के प्रश्न में पहले हम पहली संख्या से गुणा करेंगे और फिर हम दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, अर्थात इसको जब हम सरल करेंगे तो a गुणा b प्लस a गुणा c के रूप में लिखेंगे, और यदि हम माइनस कर लें तो कुछ नहीं, यहाँ यदि माइनस आ गया तो यहाँ भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, अर्थात पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, a का b से और फिर a का c से। अब प्रश्न परीक्षा में हमें ये रूप दिया गया होगा और उसे हम इस रूप में बदलेंगे, कैसे, एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये सवाल है, इसे हम वितरकता विधि से हल करेंगे। तो देखिए दो गुणाएं, एक है प्लस से पहले और एक है प्लस के बाद, और इसके अंदर हमें एक संख्या ऐसी दिखाई देगी जो दो बार रिपीट होगी, अर्थात एक संख्या दो बार आ रही है। ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि 6/5 दो बार रिपीट हो रही है, अर्थात इसे हम पहले लिखेंगे 6/5, अब गुणा का चिन्ह है तो गुणा और कोष्टक बना देंगे और उन दो संख्याओं को लिखेंगे जो रिपीट नहीं हो रही। यहाँ कौन सी संख्या बच गई, 3/4, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ यदि प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ भी हम माइनस लगा लेते, और यहाँ कौन सी संख्या बच गई, ये वाली संख्या। सबसे पहले हम इस कोष्टक को सरल करेंगे तो 6/5 गुणा, यहाँ हर समान है तो सीधा ही सरल हो जाएगा, 6/5 गुणा, इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। अब यह 4 से 8 कट जाएगा दो बार और हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 12/5। इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब यदि माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ ये जोड़ की जगह घटाव हो जाएगा और बाकी विधि वही रहेगी। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है योज्यतात्मक। योज्यतात्मक क्या होता है कि कोई भी एक परिमेय संख्या है, उस संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या, योज्य का अर्थ होता है जोड़, ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ें जिससे हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो। उदाहरण के लिए यह एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस संख्या में हम कौन सी संख्या को जोड़ें कि वापस हमें यही संख्या मिले, इस संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ें कि हमें वापस यही संख्या मिले। तो हम देखते हैं कि यदि हम इस संख्या में 0 को जोड़ दें तो हमें वापस यही संख्या प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक योज्यतात्मक है, अर्थात परिमेय संख्या के लिए योज्यतात्मक क्या होगा, शून्य। इसी प्रकार हमारा अगला टॉपिक गुणात्मक तत्मक। जिस तरह हमने जोड़ के लिए देखा कि किस संख्या को जोड़े कि वापस हमें वही संख्या मिले, तो हमने देखा 0, तो इसी तरह गुणात्मक में हम देखेंगे कि कोई भी संख्या है उसे हम किससे गुणा करें कि वापस हमें वही संख्या मिले। परिमेय संख्या 2/3, इसको हम किससे गुणा करें कि वापस हमें 2/3 ही आत्मा मिले। तो हम देख सकते हैं कि 2/3 को हम यदि 1 से गुणा कर लें तो हमें वापस यही आंसर मिल जाएगा, और यदि हम 1 के स्थान पर 0 से गुणा करते तो हमें आंसर 0 मिलता है, क्योंकि हमें पता है
जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो ही आंसर आता है। तो परिमेय संख्याओं के गुणात्मक तत्समक के लिए हम लेंगे एक। तो अगला परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक होता है। परीक्षा में हमें सीधा सवाल पूछेगा कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, हमें चार ऑप्शन दे देगा, 0, 1, 2, 3, और हमें पहचानना है योज्य तत्समक क्या है। तो योज्य तत्समक की बात होगी तो 0 आंसर होगा, और गुणात्मक तत्समक की बात होगी तो 1 आंसर होगा। बढ़ते हैं हम आगे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। अब हम बात कर रहे हैं योज्य प्रतिलोम के। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि जो संख्या दे रखी है उस संख्या में क्या जोड़ें कि हमें आंसर जीरो मिले। अर्थात यदि P बटा Q है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस P बटा Q, और यदि माइनस P बटा Q है, कोई परिमेय संख्या है, उसका अगर योज्य प्रतिलोम लेंगे तो उसका हो जाएगा P बटा Q। कहने का मतलब किसी भी संख्या को हम शॉर्ट ट्रिक में समझ सकते हैं कि योज्य प्रतिलोम निकालना है तो संख्या को वही रखना है, चिन्ह को परिवर्तन कर देना है। जैसे उदाहरण के लिए हमें माइनस एक बटा दो का योज्य प्रतिलोम निकालना है। माइनस एक बटा दो का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो ध्यान रखना जब भी योज्य प्रतिलोम निकालना है संख्या वही रहेगी, चिन्ह को बदल देंगे। अब यहाँ माइनस था तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि यहाँ प्लस की होती यहाँ प्लस है, इसका यदि हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो संख्या को वही रखना है और हमें चिन्ह को बदल देना है। ये प्लस की है तो माइनस की। कहने का मतलब वापस समझ लीजिए, यदि धनात्मक संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक बन जाएगा। संख्या को वही रखेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में हमने क्या किया था, संख्या को वही रखा था, चिन्ह को बदला था। तो गुणात्मक में हम उल्टा करेंगे, चिन्ह को वही रखेंगे, संख्या को पलट देंगे। कैसे? P बटा Q का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या करेंगे, चिन्ह को वही रखेंगे, अर्थात ये प्लस की संख्या है तो प्लस की रहेगी, संख्या को पलट देंगे। अर्थात जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा, और यदि माइनस की संख्या होगी तो चिन्ह वही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और संख्या को पलट देंगे Q बटा P। वापस अंतिम रूप से शॉर्टकट ट्रिक में योज्य प्रतिलोम में हम चिन्हों को परिवर्तित करते हैं, संख्या को वैसे रखते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम में हम चिन्ह को वही रखते हैं, संख्या को परिवर्तन, अर्थात दोनों आपस में एक दूसरे से विपरीत है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला छोटा सा टॉपिक है वो है
व्युत्क्रम। व्युत्क्रम एक तरह से गुणात्मक प्रतिलोम की तरह ही हम ले सकते हैं। जैसे 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम से तात्पर्य उसका उल्टा या प्रतिलोम, दोनों सेम ही है, तो 2/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2। एक और उदाहरण ले लें, -5/8 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका हम उल्टा कर देंगे, हर को अंश बना देंगे और अंश को हर, और ये माइनस का चिन्ह है, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये कहलाएगा व्युत्क्रम। अब हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को हम हल करते हैं। पहला सवाल है, उचित गुणधर्म द्वारा हल कीजिए, जिसमें हमारा पहला सवाल है, अब इस सवाल को हमें हल करना है, तो यहां देखिए हमें लिखा हुआ उचित गुणधर्म, हमें गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए, गुणधर्म कौन से जो हमने चार सीखे, संवर्त का गुणधर्म, क्रमविनिका और साहचर्य और लास्ट हमने वितरक वाला गुणधर्म सीखा, उन चारों का उपयोग करते हुए हमें इस सवाल का हल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुल 3 पद है, प्लस और माइनस से पद चेंज होंगे, अर्थात ये पूरा एक समूह, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह, कुल मिला के इस सवाल में 3 समूह हैं, और हमें देखना है इन 3 समूह में से ऐसे कौन से 2 समूह हैं जिसमें कोई चीज कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ, जैसे यहाँ 2/5 और -3/7 है, क्या इसमें कहीं भी ये दोनों पद हैं, इन दोनों में से कोई भी एक, तो हम देखते हैं नहीं है, क्या इन दोनों में है, तो हम देखते हैं कि 2/5 यहाँ भी है और 2/5 यहाँ भी है, अर्थात इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, तो पहले हम इन दोनों का आपस में क्रम बदलेंगे, इसको हम यहां लेके आएंगे और इस वाले पद को हम वहां लेके जाएंगे। तो देखिए आगे वाले को तो वैसे ही लिखेंगे 2/5 गुणा -3/7, अब इस वाले पद को हम आगे ले आएंगे, तो प्लस का 1/14 गुणा 2/5, और ये वाला जो पद था इसे हम लास्ट में लेके चले जाएंगे, 1/6 गुणा 3/2। अब देखिए ये वितरक वाला, अब हम यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हमें साथ में लिखना भी है हमने कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया, तो यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों का आपस में क्या बदला, क्रम, तो यहाँ हमने कौन सा नियम लगाया, क्रम विनिमय का। अब ये दोनों पास में आ गए, इन दोनों में देखिए कौन सा पद है जो उभयनिष्ठ है, 2/5 उसको लिखेंगे, और जो शेष बच गए, यहाँ बच गया -3/7 प्लस यहाँ बच गया 1/14 कोष्टक बंद, ये माइनस है तो माइनस, इसको हम वैसा वैसा लिख लेते हैं, तो अब हमने कौन सा नियम लगाया, अभी हमने सीखा था वितरकता का नियम लगाया, जिसमें एक संख्या उभयनिष्ठ आती है और बाकी दोनों, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस कोष्टक को सरल करेंगे, तो 7 और 14 का लसब, 14 में 7 का भाग 2 बार और 2 का -3 से गुणा -6 प्लस 14 में 14 का भाग 1 बार, 1 का 1 से गुणा 1, और यहाँ हम देखते हैं तो ये 6 जो है वो 3 से कट जाता है, 3 6 से कटेगा 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा 1 से 2 का गुणा 2 से, सरल कर देते हैं, 2/5 गुणा -6 और +1, तो -5/14 और ये -1/4 तो पढ़ा ही है, शेष है
अब देखिए ये पाँच से ये पाँच कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक, तो दो का गुणा माइनस एक से, तो माइनस दो बटा चौदह और यहाँ हो जाएगा माइनस एक बटा चार। ये माइनस दो बटा चौदह भी आपस में कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक बटा सात और माइनस एक बटा चार। ये दोनों दो के पार्ट से कट जाएंगे एक और सात बार। अब हम इन दोनों का आपस में लसब ले लेंगे, सात और चौदह का लसब अट्ठाईस, अट्ठाईस में सात का भाग चार बार और चार का माइनस एक से गुणा माइनस के चार। अब माइनस है तो माइनस, चार में अट्ठाईस का भाग सात बार और सात का एक से गुणा सात, माइनस के चार और माइनस के सात, माइनस के ग्यारह और नीचे हर में अट्ठाईस है तो अट्ठाईस। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को इस पूरी विधि से हल करेंगे। हमें साथ में नियम का नाम भी लिखना है, हमने कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल, अंतिम सवाल है, छह बटा तेरह को माइनस सात बटा सोलह के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो यहां ध्यान देना है कि हमें व्युत्क्रम किसका निकालना है, छह बटा तेरह का या माइनस सात बटा सोलह का। तो देखिए सवाल को वापस ढंग से पढ़िए, छह बटा तेरह को माइनस सात बटा सोलह के व्युत्क्रम, अर्थात हमें इस संख्या का व्युत्क्रम निकालना है और उसके बाद उसका आपस में क्या करना है, गुणा। तो माइनस साठ बटा सोलह का व्युत्क्रम, तो हमने व्युत्क्रम सीखा, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उस संख्या को उल्टा कर देना, यानी कि जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। अब जो पहले भिन्न थी छह बटा तेरह और उसको गुणा करेंगे हम व्युत्क्रम से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, और इसे हम चाहे तो माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सेम है। तो आज की क्लास में हमने वितरकता गुणधर्म, योज्यतात्मक, गुणात्मक तत्मक और कुल सवालों को हल किया। आगे की क्लास में हम अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। धन्यवाद।